बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजम्मिल अहमद, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो प्लम्बर के हवाले से मैं आपको मुख्तलिफ वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और जैसे कि आज मैं एक वीडियो जा रहा हूँ पानी का पंप के सिलसिले में, बोरिंग का पंप है जिसे ट्यूबवेल कहते हैं और डबल नाली वाला पंप कहलाता है, वो उसके पूरा उसको हम चेंज करने का तरीका आपको बताएँगे और बोरिंग का पाइप साफ़ करने का इसमें हम तरीका बताएंगे आपको, बोरिंग का पाइप कैसे साफ़ होता है और पंप कैसे चेंज होता है और कैसे ख़रीदा जाता है और क्या क्या उसके मामलात हैं, वो सब आपको दुकान पे भी ले जाके दिखलाएंगे, सब कुछ दिखलाएंगे इसके अंदर। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, लोगों को फ़ायदा पहुँचें। हमारा मकसद है काम सिखाना आप लोगों को। और देखिए शॉर्ट वीडियो के अंदर ज़रा काम समझाया जाता है, ज़रा उसको बार बार आप वीडियो को देखेंगे तो ज़रा जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों के, मगर सिखाते हैं मुकम्मल तरीका, ये उसको आप अगर गौर से सीखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर सीख जाएंगे उसको। मेरी वीडियो है काम सिखाने की नीयत से और ये काम सिखा रहे हैं हम इसके अंदर आपको, ठीक है। चले चलते हैं उसको दिखाते हैं मैं पंप को आपको, कैसे उसको पंप का करते हैं सिलसिला, ठीक है। अभी हम लोग एक जगह पर गए थे, वहाँ पर हमने मोटर खोली है इसकी, और मोटर खोलने के बाद इस दुकान के ऊपर लेके आ गया। असल में खोलते हुए हमने आपको दिखलाई नहीं थी, अभी इस दुकान के ऊपर देखें ये मोटर लिया है। ये मोटर जो है ये देखें, ये जल चुकी है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी कि जल गई। और अभी हम इसका जो है ना वो रेगुलेटर खोलने लगे और इसको जाके ना इसकी वाइंडिंग के ऊपर तकरीबन जो है 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो अब जो सोचा हमने वाइंडिंग इसकी कराई नहीं जाए, इसको चेंज करा ली जाए एक साल की गारंटी के ऊपर, और जब एक साल की इसकी गारंटी मिलेगी तो उसके अंदर ये बेहतर रहेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। खोले भाई इसका रेगुलेटर, ये ले, ये रेगुलेटर खुल रहा है इसका, ठीक है। ये देखें हमने इस दुकान से ये पंप लिया है, ये देखें, ठीक है, ये देखें मशीनरी है और ये वाला पंप लिया गया है। ये भाई इसको अब चेक कर रहे हैं, इन्होंने तार लगाया, चलाएं भाई इसको, ठीक है, चल गया अभी, ये देखें ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है, ये खुद ब खुद अगर ये ट्रिप कर जाता है, अगर बत्ती तेज़ आ जाएगा पानी ना उठाए मशीन के अंदर, अब ये ट्रिप हो चुका है ये, ठीक है। ये नया लिया है और इसके अंदर तकरीबन पुराना पंप देके और ये पंप लिया है तो 15,000 रुपये इनको देने पड़े और 1,000 की गारंटी, एक साल की गारंटी दे रहे हैं ये इसके अंदर, ठीक है। आपने ये दुकान देख ली है इनकी, ठीक है, चलें। ये देखें वो दुकानदार कह रहे हैं, ये सामने से भी दिखाएं, ठीक है जी। ये गोली मार्ग नंबर 3 पर ये दुकान है ये, ठीक है, ये देखा। और ये पंप है, ये वाला लिया है, अच्छा इन्होंने ये भी पंप बताए थे, ये कुछ समझ में नहीं आया, थोड़े हल्के थे पंप, ठीक है, अब ये वाला पंप ले लिया। अब इसको वहाँ फिट करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाली मोटर इधर से खोली थी हमने, और ये जो प्लम लगा रहे हैं इसको मोटर को, ये वहाँ से लेके आए थे। इसका रेगुलेटर पुराना ही है, बकाया बैंड भी इसका पुराना है। ये देखें इसके, इसको साफ़ करके ना अब इस जगह पर इसको फिट करेंगे, ठीक है, और इसको इधर फिट करने के बाद फिर आपको चला के दिखाते हैं इसको फिट करके। ये देखें ये मोटर लग गई है, ये देखें ये मोटर लग गई है इसके अंदर। अब ये इसके अंदर आगे भी जोड़ दिया और ये इसके इसके कनेक्शन भी कर दिया हमने, थोड़ी लाइट मारना आगे, ठीक है, कनेक्शन कर दिया। अब इसमें पानी डालना है रेगुलेटर में, डालना भाई पानी, ठीक है, बस अब ये भर जाएगा थोड़ी देर में तो फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने बोरिंग की नई मशीन लगाई थी ना, तो उसके अंदर इंजेक्टर के अंदर कचरा आ गया था, और अब ये कचरा साफ़ करने के लिए इंजेक्टर हमने खोला हुआ है, उसकी सफाई कर रहे हैं। तो पहले बना दे, ये जो है ना ये इंजेक्टर, ये देखिए ये प्लास्टिक का है, लाइट मारना भाई, लाइट मारो और मारो, अच्छा जो है ना ये प्लास्टिक का इंजेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर, और ये देखें अभी इसमें भी कचरा नज़र आ रहा होगा आपको ये, तो ये भी हम लोगों ने साफ़ करा, अभी रात हो गई है हमारे को इसके अंदर। और ये देखें पूरा का पूरा पाइप जो है ये हमने निकाला हुआ, ये देखें जा रहा है, और ये बोरिंग है इसकी,
ये बोरिंग हमने पूरी खोल ली थी, इसके अंदर से इधर से ये निकाला, ये सारा कचरा है ये इसका, ठीक है। अब ये जो ना इसके अंदर ये काम कर रहे हैं, इसके अंदर ये देखें, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको धुलाई करके इसकी वॉश करके फिर हम इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब पाइप डालना शुरू हो गया, इंजेक्टर से निकल गया, अब ये बोरिंग के अंदर जा रहा है ये पाइप। ये देखो ये जाली मुड़ी है, एक मिनट बाहर निकाल इसको वापसी। देखो पुरानी जाली हो गई थी ना, जाली डालते वक्त जाली फट गई थी इसकी, अभी दोबारा इसकी टेपिंग करके ना इसको जाली को डाल लें इसको। और ये जो ना जाली लगना ज़रूरी है, इसके अंदर कट लगे हुए, ये हमने फ़िल्टर बनाया हुआ पाइप को ना, इस पाइप में फ़िल्टर है। ये अभी रात ज़्यादा हो गई, वरना तो मैं आपको दिखाता, ये देखें ये फ़िल्टर है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जाली लगेगी तो इसमें फिर बेहतरीन हो जाएगा काम। ये चलें, ये देखें डालना शुरू हो गए, नज़र आ रहा होगा आपको ये। अब देखिए कितने आराम से जा रहा है पाइप, ठीक है। अब ये पाइप पूरा डालते हैं और आपको दिखाते हैं। देखें जब ये इंजेक्टर आ जाए ना, ये देखें ये इंजेक्टर है, तो इसको बहुत एहतियात से डालें, इधर से अक्सर पाइप टूट जाता है। ये देखें ये इंजेक्टर है, ये ब्लैक रंग का टेप लगा हुआ है, सब इंजेक्टर का। और ये बिल्कुल एकदम सीधा करके तीन आदमी का काम है। ये देखें ये अब इसकी यूनियन लगाई जा रही है इधर से, और जब ये यूनियन लग जाएंगी तो हम फिर वहाँ से पानी डालेंगे। ये देखें बोरिंग का काम है, ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ये, और यूनियन देख के ना सीधी चढ़ानी पड़ती है, और बहुत ईजी काम है ये, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये, बस इसमें जो है ना दिमाग का काम होता है। हाँ बस इसको थोड़ा सा ज़रा सीधा देख के, और ये वीडियो मैंने इसकी मुकम्मल बनाई है ये, और आपको ये नज़र आएगी ये इसके अंदर। ये देख रहे हैं पानी से हल्के आसे प्लास्टिक की, इसको हल्के आसे टाइट करेंगे, लीक ना हो बस, ठीक है, बस हो गई बस। ये देखें दूसरी भी यूनियन लगा दी है इसके अंदर, उसको भी हल्के आसे ये टाइट करने जा रहे, ठीक है भाई, इसको हल्के हाथ से टाइट करनी पड़ती बस। ये मशीन लग गई है कंप्लीट इसके अंदर, और ये बिल्कुल फिटिंग कर दी गई है इसको मशीन को। और ये देखें इधर लाइट मारे, ये भी गड्ढा भी बंद कर दिया गया ये सारा, ठीक है, ये बिल्कुल रेडी हो गया ये एकदम से, और बेहतरीन किस्म का काम हो गया ये। हाँ